हे दोस्तों, छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में शुरू हो रहे हैं 45 और नए कोर्स। जी हां साथियों, 45 और नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में। यह नोटिफिकेशन कब की आई हुई है, इसका डेट भी मेंशन किया गया है, आप जान लीजिए। तो दोस्तों आइए फटाफट हम जानते हैं कि और क्या मेंशन किया गया है अपडेट में। तो दोस्तों जैसा कि छात्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में इस सत्र में आपके 45 नए कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें अधिकांश कोर्स छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने वाले होंगे। उसमें विविध छात्र हित को देखते हुए मास्टर्स पीजी डिप्लोमा के साथ नई सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है। अभी तक विश्वविद्यालय में कुल 67 कोर्स चल रहे थे। तो दोस्तों अभी तक CSJMU में आपके 67 कोर्सेस चल रहे थे, लेकिन अब नए कोर्सों को मिलाकर टोटल जो कोर्सों की संख्या है 112 हो गई है, यानी कि 112 हो गई है। खास बात यह है कि अधिकांश लोगों को नए कोर्स के बारे में इसलिए बताया जा रहा है कि वो अपना एडमिशन करें, और जिससे कि जो नए कोर्सेज कराए जाएंगे उससे उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रोसेस में डेवलप किया जाएगा, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन को बीट कर सकें, किसी भी प्रकार की कंपटीशन को निकाल सकें। और क्या लिखा हुआ है ये देखिए, लिखा हुआ है MSc कंप्यूटर साइंस से लेकर स्विमिंग पूल, लाइफ गार्ड, योगा, जिम ट्रेनर की भी पढ़ाई शामिल है इसमें। जी हाँ साथियों, इसमें आप सही सुन रहे हैं, आपके योगा से लेकर MSc कंप्यूटर साइंस से लेकर स्विमिंग पूल, लाइफ गार्ड, योगा, जिम ट्रेनर की भी पढ़ाई शामिल है, जिससे विदेशी भाषा में जैसे हम जर्मन, फ्रेंच और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस इसमें लगेंगी। जैसे बहुत से स्टूडेंट को इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके जो 45 कोर्स और नए ऐड किए गए हैं CSJMU में, तो वो क्या होंगे, आपको इन्हीं सब के क्लासेस कराए जाएंगे और ये कोर्सेज भी प्रोवाइड की जाएगी। या जैसे कि दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया है कि ये सभी कोर्स रोजगार परक और अधिक मांग पर ही शुरू किए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये कि आपके अधिक मांग किए जा रहे हैं इन कोर्सों के, आपकी यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी से मांग किए जा रहे हैं, इसीलिए इन सभी कोर्सों को प्रोवाइड की जा रही है। तो दोस्तों जो आपके नए कोर्स हैं, ये 45 नए कोर्स जैसे कि ऐड किए जा रहे हैं CSJMU में, यानी कि आपके छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में जो 45 कोर्स नए ऐड किए जा रहे हैं, उन सभी का नाम यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे मास्टर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, PG डिप्लोमा इन डाटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, BSc ऑनर्स एंड बायोलॉजिकल साइंस, PG डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस, डिप्लोमा इन बेकरी एंड MBA बिजनेस एलाइटिक्स, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, PG डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिटनेस मैनेजमेंट, PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा, सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइफ गार्ड स्विमिंग पूल, सर्टिफिकेट कोर्स इन जिम पर्सनल ट्रेनर, AMU एजुकेशनल, और PG सर्टिफिकेट कोर्स इन रिसर्च मेथडोलॉजी इन सोर्स साइंस, पार्ट टाइम डिप्लोमा एजुकेशन लीडरशिप में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, एम फार्मा स्पेशलाइजेशन इन फार्माकोगोर्सी, सर्टिफिकेट कोर्स पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, कल्चर फोटोग्राफी, टेक्सटाइल ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच स्पोकन इंग्लिश, BA ऑनर्स अंग्रेजी, समाजशास्त्र और साइकोलॉजी आदि। तो दोस्तों ये रहा आपके कुछ 45 नए कोर्सों को जैसे कि मेंशन किया गया है कि इसमें आपको इस प्रकार से कोर्सेज और प्रोवाइड की जाती हैं कि आप जिससे इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको डाउट लगे तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। दोस्तों आपके 45 कोर्स जैसे कि ऐड किए गए हैं छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था कि आपके 45 नए और कोर्स हैं इसमें ऐड किए जाते हैं छत्रपति साहू जी महाविद्यालय में। अभी तक 67 कोर्स आपके अवेलेबल थे इस विद्यालय में, लेकिन अभी आपके 112 कोर्स हो चुके हैं। तो कहने का मतलब ये साफ साफ ये कि आप अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज में तो आप ऑलरेडी ले सकते हैं। आपको और भी जो कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज कराए जाएंगे, जो कोर्सेज आज के इस वीडियो में बताया गया है वो भी। और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों पूछेगा। और चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद, जय भारत।